18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत है। पहली बात तो यह है कि सत्र ये बहुत छोटा है। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि संभवतः ये विधानसभा का अंतिम सत्र है, इसलिए विधानसभा का कम से कम 10 बैठक होनी चाहिए, जो नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हमारी यहाँ चल रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि इस मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ की श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, उसके कोल घोटाला है, रेत घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, राशन घोटाला है, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं कि इस भूपेश सरकार का जो असली चेहरा है वो करप्शन से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से लीपा और पोता गया है। और ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, पूरे देश में भ्रष्टाचार की शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करने वाली सरकार। चार बैठकों में संभव हो पाएगा आप लोगों के ग्राह होना, अन्य विषयों में भी चर्चाएं होंगी? देखिए, मुझे मालूम है, लेकिन सामान्य रूप से यह परंपरा होती है जब अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर प्रस्तुत होता है नियमों के तहत, तो माननीय अध्यक्ष महोदय को सदन की कार्यवाही को रोक करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहिए। यह सामान्य विधि और विधायी परंपरा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा मोशन होता है सरकार के खिलाफ। और इस भूपेश सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में बह रही है। हम जो जनता की आवाज है, जनता जो चाहती है, उसको हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रखना चाहते हैं। अभी तो हम लोगों ने अपने विधायक दल में बातचीत किया है विश्वास प्रस्ताव के बारे में, लेकिन क्योंकि वह भी विपक्ष की भूमिका में है, हमारे जोगी कांग्रेस के दो विधायक हैं और बसपा के साथी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी हम सहयोग मांगेंगे।